हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग रेसिंग फोक्स। नमस्कार भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हैदराबाद रेस कार्ड 7 अक्टूबर 2024 के लिए। हैदराबाद भी थोड़ा मिनी गैमलिंग सेंटर हो गया है, तो भाव की उछल कुदाव देख के खेलना। और हर रेस पे आज फेवरेट के सामने एक दो घोड़े दिख रहे हैं जो कैन अपसेट एवरी रेस। हैदराबाद ऑल्सो बिकम अ मिनी गैम्बलिंग डेन फोक्स, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यूज्ड टू बी। वॉच आउट फॉर दी ऑड फ्लक्चुएशंस एंड ऑल। एंड टुडे एवरी रेस फेवरेट लुक्स लिटिल बिट इन ट्रबल, वन और टू हॉर्सेस यू कैन बीट। एनीवेज, गोइंग स्ट्रेट टू द रेस, इज द फर्स्ट रेस द गुडवुड प्लेट। इट्स अ 2000 मीटर रेस फोक्स। दी 2000 मीटर रेसिस आर वेरी डिफिकल्ट। क्लास 4 रेस। The favorite, see my attitude, I don't like, she's a 21 race maiden. चार नंबर फेवरेट नहीं पसंद है, वो 21 बार भागने बाद भी मेडन है और हर बार फेवरेट सेकेंड फेवरेट खुलती है। और शी बाय द गेट, आप उसको देखोगे तो उसकी पूछ काफ़ी वो स्ट्रेस में आ जाती है, और मैं तो गेट के पास खेलता हूँ। ओ, आई थिंक शी इज नॉट रिलायबल हॉर्स, सो लेट हर विन वंस, फिर देखा जाएगा। द वन आई लाइक इन हियर इज नंबर 6 डेजर्ट हीरो। डेजर्ट हीरो लास्ट टाइम रन डिसेंट इन द माइल रेस। आई थिंक डिस्टेंस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड आई थिंक ही हैड लॉस्ट द शू ऑल्सो, इट्स नॉट इन द मेंशन हियर समवेयर। एंड देन अनदर हॉर्स आई लाइक इज द सनडांस किड। एक नंबर इज ड्रॉपिंग फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 4, बट इट्स अ सो सो रेस, नथिंग बिग अबाउट इट। सेकेंड रेस में चलते हैं, द लॉयल मंजर प्ले डिवीजन 1 क्लास 4। एक नंबर पसंद है, नंबर 1 बोल्ड ब्यूटी नीलेश रावल का घोड़ा, पी साई कुमार चला रहा है। और ये रन एक लास्ट रन भूल जाओ, उसके पहले वो भी ड्रॉपिंग क्लास 3-4 में आ रहा है। ये वन क्लास 4 रेस बिगिनिंग ऑफ द सीजन। देन अदर हॉर्स आई लाइक इन हियर इज द अश्व यशवीर नंबर 3 रविंदर सिंह गौरव सिंह। तो ये और द जोकर हियर इज द नंबर 9 NRI स्टार, एक रन के खाके बैठा है। मैं उसका पैडक फिटनेस नहीं तो रेसिंग मसल देखूंगा, तो वो तीनों में रेस होनी चाहिए। द नेक्स्ट रेस द निर्मल प्लेट डिवीजन 2 क्लास 4। नंबर 1 विंजर लास्ट विक्ट्री ऑन द पेपर लुक्स इम्प्रेसिव, बट ही वॉज ऑल्सो अ मेडन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जॉकी वॉज क्वेश्चन एंड ऑल। 2 किलो का ही पेनल्टी है, सेम क्लास रन कर रहा है, अक्षय कुमार जी चला रहा है। लेकिन उसमें 2 और घोड़े हैं, कोल्ड ब्लू और अस्थिस्ता 4 नंबर, मगन सिंह। मगन सिंह इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड प्लेसमेंट करता है, उसका भी बैटिंग देखना है। 400 किलो के आसपास का घोड़ा है, तो वजन देखना, अगर बहुत वजन कम हो गया हो तो अलग बात है। नेक्स्ट रेस इज नंबर 4th रेस ऑफ द डे। इट्स अगेन क्लास 3 रेस, 5 ईयर्स एंड अपवर्ड। ये ऑलवेज मैं बोलता हूँ क्लास 3 की रेस कंपेटिटिव ही होती है। इसमें भी सतीश भाई के 2 घोड़े हैं, पसंद है दोनों, बट बैटिंग देखना। 1 इज मार्क माई डे, अनदर इज डिवाइन कनेक्शन। बोथ सतीश का घोड़े, बोथ हैव सम फॉर्म। आज सतीश के एक रेस में तो 50% सतीश भाई के ही घोड़े दौड़ रहे, और विनिंग एटीट्यूड गेट्स अ क्रॉस नोट बैंड। कमिंग होम मगन सिंह का घोड़ा, वो रन विद द वेरी हेड हाई, कैरेज हाई, बट कैन प्लेस इफ इट्स बेड डाउन। ये क्लास 3 की कंपेटिटिव ही होती है, तो मेरे को सतीश के 2 घोड़े में से दोनों पसंद है, देखेंगे बैटिंग में कौन सा आता है। नेक्स्ट रेस क्लास 4 रेस, अगेन नॉर्मल निर्मल प्लेट डिवीजन 1, 4 ईयर्स एंड अपवर्ड।
ये भी इसमें भी क्वीन एम्प्रेस मिस्टर परफेक्ट प्लैनेट सुपर श्रीकांत का घोड़ा। तो मुझे थोड़ा प्लैनेट सुपर पसंद है। इवन लास्ट टाइम क्वाइट इम्प्रेसिवली अजय कुमार चला रहा है। तो इट लुक्स लाइक अ ओके बेट। जेट फाल्कन मगन सिंह कैन प्लेस इन दिस रेस। नेक्स्ट रेस में चलते हैं दी मिर्ज़ा जुनूर अहमद मेमोरियल कप क्लास 3। एज आई ऑलवेज से क्लास 3। ये रेस तो सतीश भाई की जेब में। फ्लाइंग फ्यूरी हैज बिन विद्रॉन 6 नंबर। तो सतीश के रोल्स रॉयस भी सतीश का है, रोल मॉडल भी सतीश का, ट्रॉफी का भी सतीश का। लेकिन मगन का घोड़ा प्लेस हो सकता है फर्स्ट क्लास। बाकी तो टोपी ऑलवेज गेट्स बेट डाउन। डिसेंट हॉर्स मे बी टूडे द कंपनी इज वीक, मे वी कैन डू समथिंग। टोपी ऑलवेज बैटिंग में आती है। तो 4-50% घोड़े तो सतीश भाई के हैं, तो वो ज़रा संभालना। 6 नंबर विड्रॉ हो गया है। रोल्स रॉयस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो वॉज वेरी इम्प्रेसिव विनर सतीश भाई का। तो विल सी। सातवें रेस पे चलते हैं द लॉयर मांजर प्लेट डिवीजन 2 क्लास 4 की रेस है। 6 नंबर ईशी, ये आयरिश नेम है। AOSSI इस पे प्रोनाउंस ईशी। आयरिश मिथोलॉजी में एक सुपर घोड़ा का ऐसा कुछ उसका मीनिंग होता है। शी वॉज वेरी इम्प्रेसिव इन द मॉक रेस, बट इन द रेस मॉक इज अ मॉक रेस इज अ रेस। मॉक रेस उसकी बहुत बढ़िया थी। शी डिड नॉट रन द सेम एज इन द रेस। रेस में उसको काफ़ी इंटरफियरेंस हो गया था। एक दो बार तो आउट ऑफ स्ट्राइड हो गया था। आज टंग स्ट्रैप भी पहनाया, शुड मेक अ बिग डिफरेंस। पहला रन था तो आई गिव अ बेनिफिट ऑफ अ डाउट। तो मुझे लगता है कि अगर बैटिंग में नेगेटिव, लास्ट टाइम तो थोड़ा नेगेटिव भी हो गया था, अगर बैटिंग पॉजिटिव रही तो शी शुड विन द रेस। सकर पंच एंड अनहिता कुड बी अ लिटिल डेंजर टू हिम। सो ऑल सेड एंड डन बॉय, द रेसेज आर नॉट दैट इजी एज इट लुक्स ऑन द पेपर। बैटिंग ट्रेंड देख के बी सिलेक्टिव एंड गैम्बल सेंसिबली। ये सेंटर भी पहले जैसा नहीं रहा रिलायबल। काफ़ी लोग ने तो हैदराबाद खेलना छोड़ ही दिया है। दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। तो संभाल के खेलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू टेक केयर। बाय बाय।